फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं, अगर हमारा कैंटिलीवर बीम उस पे अगर पॉइंट लोड एक्ट करता है मिड पॉइंट पे या मिड के किसी भी पार्ट पर, फिलहाल इस पे मैं आपको मिड पॉइंट लिखा हुआ हूं, तो वहां पे अगर मिड पॉइंट पे अगर आपका एक्ट करता है कोई पॉइंट लोड अगर एक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन पे उस केस में मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना हम लोग देखते हैं। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने क्या किया था, जो हमारा कैंटिलीवर बीम था उसमें हमारा जो पॉइंट लोड एक्ट किया था वो आपका फ्री एंड पे किया था। तो जब आपका फ्री एंड पे एक्ट कर रहा था उस टाइम आपका मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमने निकाला हुआ था। इवन हमारा जो लास्ट वाला केस है, एक बार देखेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया हुआ ये चीजें, ये जो हमारे पास कैंटिलीवर बीम था और इसमें आपका जो लोड लग रहा था ये पॉइंट लोड लग रहा था। तो पॉइंट लोड होने के कारण क्या था कि ये आप जो बीम देख रहे हैं, ये बीम आपकी क्या इस तरीके से बेंड हो रही थी, यही कहानी था। तो इसमें हमने क्या है कि इस पॉइंट लोड के कारण डेफिनेटली मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बोलेगा तो हमको क्या मिला था, यहां से इस पॉइंट से हमारा मिला था मैक्सिमम स्लोप, दिस इज द थीटा ऑफ मैक्सिमम, ये हमने निकाला था। और दूसरा हमने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी निकाला हुआ था, दिस इज द वाई मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारे पास था मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की कहानी। सेकेंड चीज अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो इसके अलावा हमने क्या मिड पॉइंट पे भी निकाला हुआ था, मिड पॉइंट पे भी हमने स्लोप निकाला था। तो यहाँ का जब हमने स्लोप देखा था तो ये हमारे पास स्लोप आएगा, दिस इज द थीटा, और इसी पॉइंट पर हमने क्या है वाई मैक्सिमम, नॉट वाई मैक्सिमम, यहाँ पर वाई, वाई जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज द डिफ्लेक्शन। तो मैंने क्या डेल को लेके चला हुआ है, तो आप भी डेल लेके चलिए, वाई भी लेके चल सकते हैं। तो इस पी लोड के कारण जो आपका फ्री एंड पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, इसके कारण हमारा मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और हमने मिड पॉइंट पे निकाला हुआ है इस पॉइंट पर स्लोप और आपका डिफ्लेक्शन, यही था। अब हम लोग देखिए कहानी में कुछ ट्विस्ट ला रहे हैं, कहानी में ट्विस्ट क्या ला रहे हैं, ये जो आपका पॉइंट लोड है इसको उठा के हम लोग शिफ्ट करते हैं सेंटर पे, ठीक है। मतलब ये हमारे पास बीम है, ठीक है, और ये आपका बीम है एल लेंथ का है, ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट बी है, और इसका जो हमारे पास मिड पॉइंट मिला हुआ है इस मिड पॉइंट पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, और ये जो आपको पॉइंट लोड एक्ट कर रही है हमारे पास कितना है पी है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है दैट इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड पी एट द मिड पॉइंट जिसका लेंथ एल है। अब ये जब आपका फिनोमिना होगा इस चीज में, तो इस कंडीशन पे हमको मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। तो उस कंडीशन पे हमारे पास क्या हो सकता है, अच्छा ये पॉइंट लोड जो आपका एक्ट कर रहा है, मान लीजिए कि पॉइंट हमारे पास क्या है, दिस इज द पॉइंट सी। तो अब हम लोग क्या यही कहानी करने वाले हैं थ्रू द यूज ऑफ मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या सिनारियो हमारे पास बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा क्लियर होना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसमें कैसा बनेगा, तो डेफिनेटली ये अगर मैं लेंथ को लेकर अगर बात करूं तो ये हमको पता है कि ये जो हमारे पास लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास कितना मिलेगा, डेट इज इक्वल टू एल बाई टू, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखूं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, एक तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट ए बी है, और इसका बेंडिंग मोमेंट देखो बी टू सी तक जाओगे तो कोई तो लोड है नहीं, तो इस पॉइंट तक मोमेंट तो आपको जीरो मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट आपका जो मिला, ये अगर पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये पॉइंट तो आपका बन गया पॉइंट सी, ठीक है, इस पॉइंट पर आपका मोमेंट जीरो है। अब आपका क्या होगा, पॉइंट ए पर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, पी इंटू एल बाई टू डेट इज द मोमेंट अबाउट ए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए ये जो आपको लाइन दिख रही है कंडीशन पे, ठीक है, ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये आपका एल बाई टू है और ये आपका क्या है पॉइंट लोड पी है, तो फाइनली ये आपको मिलेगा डेट इज इक्वल टू पी एल बाई टू, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये हमारे पास लेंथ कितना मिला, डेफिनेटली एल बाई टू लेंथ है। तो अब मुझे क्या करना है, इस पे स्लोप और मुझे क्या निकालना है डिफ्लेक्शन। अच्छा इसका अगर मान लीजिए कि सपोज बेंडिंग कर्व अगर आप देखेंगे तो बेंडिंग कर्व आपको किस तरीके से दिखेगा, इस पॉइंट पे अगर जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बीम है, इस बीम के अगर हम लोग बेंड होने की टेंडेंसी देखें तो देखिए मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास है बी, ठीक है, सेंटर सी है, तो ये बीम आपका क्या है कुछ इस तरीके से बेंड हो, अच्छा बेंड होने की टेंडेंसी भी थोड़ा हमें समझनी है। ये हमारे पास पॉइंट लोड लगा है पी,
तो जब आपका ये पॉइंट लोड पी लगा है तो देखो यहां तक तो बेंड होगा, लेकिन ये वाला जो आपका पोर्शन है जैसे ये पॉइंट सी है तो बीसी वाला पोर्शन तो स्ट्रेट रहेगा ना, क्योंकि यहां पर तो बी और सी के बीच में कोई लोड लग नहीं रहे, तो यहां तक तो आपको क्या है बैंड इस तरीके से मिलेगा। अगर आप देखोगे यहां पर तो ये यहां तक तो आपको चीजें एकदम क्या है पॉइंट सी आपको मिल गया, ये पॉइंट ए मिल गया, लेकिन सी से बी तक जब जाओगे तो इसके बीच में तो कोई लोड लग नहीं रहा है, तो ये वाली जो लाइन है ये लाइन बिल्कुल आपको स्ट्रेट मिलेगी। चीजें समझ रहे हो, ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगी लाइन। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉइंट मिल गया बी और ये पॉइंट हमको क्या मिला सी, तो ए टू सी के बीच में आपको ये दिख रहे हैं कर्वेचर दिख रहा है, लेकिन बी टू सी आपको क्या है स्ट्रेट लाइन मिला हुआ है। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपके पास है ना ये आपको दिख रहा है दैट इज द कर्व लाइन, ठीक है। अब कर्व लाइन है तो डेफिनेटली स्लोप के चेंजेस मिलेंगे, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये जो हमको मिला है क्या मिला है हमको स्ट्रेट लाइन मिला हुआ है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो बीसी वाला स्ट्रेट जो आपको पोर्शन दिख रहा है, अब आपको क्या है ये बताइए बी से सी के बीच में आप कहीं भी स्लोप निकालोगे तो जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, हॉरिजॉन्टल रहता है तो जीरो होता, लेकिन इंक्लाइंड है तो बी टू सी के बीच में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको स्लोप क्या मिलेगा कॉन्स्टेंट, जो भी वैल्यू मिलेगी सेम मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो जो आपको थीटा ऑफ सी दिखेगा थीटा ऑफ सी विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ बी, ठीक है, थीटा ऑफ सी विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ बी, मतलब सी और बीच के बी सी और बी के बीच में आपको जो भी चीजें दिखेगी वो आपको स्ट्रेट लाइन है। तो यहां कहीं ना कहीं अगर आप बोलेंगे इसके बीच में तो आपको जो मिलेगा स्लोप, ठीक है, थ्रू आउट द कॉन्स्टेंट, स्लोप थ्रू आउट द कॉन्स्टेंट, थ्रू आउट द कॉन्स्टेंट बिटवीन किसके किसके बीच में लगाइए दैट इज द सी और बी के बीच में बिटवीन सी एंड बी, ठीक है, स्लोप थ्रू आउट द कॉन्स्टेंट बिटवीन सी एंड बी। ये क्लियर है यहां तक, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा अब ये बताइए कि अगर मुझे डिफ्लेक्शन बोलता है तो क्या डेफिनेटली डिफ्लेक्शन है, आप देख रहे होंगे बी पे अलग है सी पे अलग है। अच्छा यहां पे जैसे मान लीजिए कि इस सुई पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा यहां से लाइन खींचूंगा और ये वाला जो पॉइंट में निकालूंगा दिस इज द थीटा ऑफ सी, और थीटा ऑफ सी में आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो यही मिलेगा, तो ये मतलब हमको जो थीटा ऑफ सी मिला हुआ है विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, मतलब आप बी पे निकालो या सी पे निकालो आपको क्या है यहां पर जो स्लोप मिलेगा वो डेफिनेटली मैक्सिमम स्लोप मिलेगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये लाइन आप एक्सटेंड करोगे तो क्या है बी पॉइंट से ही होगे जाएगी। तो ये आपका स्लोप बी से सी के बीच में जो भी मिल रहा है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको देखिए यहां पे डिफ्लेक्शन की बात करेगा तो अब बी पॉइंट पर अगर आप डिफ्लेक्शन देखोगे तो बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको डेल्टा ऑफ बी, मैं लिखता हूं, और सी पॉइंट पर जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा इसको मैं लिखता हूं डेल्टा ऑफ सी। कहानी कुछ समझ में आ रही है, बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आपको डेल्टा ऑफ बी मिल रहा है, सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आपको डेल्टा ऑफ सी मिलेगा। चलिए अब हम लोग यहां पर बढ़ते हैं और आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। मुझे यहां पर स्लोप डिफ्लेक्शन दोनों चीजों को निकालना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं स्लोप पे, तो अगर मुझसे मान लीजिए बोलता है मैक्सिमम स्लोप निकालने के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेते हैं क्या यहां पर दिस इज द मैक्सिमम स्लोप। तो मैक्सिमम स्लोप की अगर मैं कहानी बताऊं तो मैक्सिमम स्लोप के साथ आपको क्या मिलेगा, स्लोप आपको मैक्सिमम चाहिए नो डाउट, थीटा सी और थीटा बी आप ले लो, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या थीटा ऑफ बी विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ सी विच इज इक्वल टू ए अपॉन ई आई। अच्छा तो ए अपॉन ई आई अगर हमको निकालना हो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए डेफिनेटली किसी एक पॉइंट जहां पर आपका स्लोप जीरो है उसके रेस्पेक्ट में लोगे। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं क्या ये जो हमारे पास स्लोप है, तो यहां पे हम लोग देखिए क्या कर लेते हैं, नो डाउट थीटा ऑफ सी ले लो या बी ले लो एक ही बात है, तो थीटा ऑफ सी माइनस थीटा ऑफ ए, ए क्यों लिया हूं क्योंकि यहां पर जीरो स्लोप है, चलो थीटा ऑफ बी यहां पे मान ले लिख लेता हूं थीटा ऑफ बी माइनस थीटा ऑफ ए, ठीक है, ए आपका क्या है जीरो स्लोप है यहां पर, और डेफिनेटली एक पॉइंट हमको वो लोकेट करना है जहां पर आपका स्लोप जीरो होता है विच इज इक्वल टू ए अपॉन ई आई, ठीक है। दूसरा चीज यहां पर ये भी लिख सकते हो क्या, और थीटा ऑफ बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा ऑफ सी माइनस थीटा ऑफ ए इक्वल टू ए अपॉन ई आई, पर्टिकुलर इस डायग्राम के लिए क्यों लिख सकते हैं आपको कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ बी और सी आपका क्या है यहाँ पर सेम है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, जो आपका ए है डेफिनेटली ए तो आपका क्या है फिक्स है, तो ये आपका क्या स्लोप आपका जीरो है। तो यहां पर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो ये आपका हम लोग एरिया कौन सा लेते हैं यही तो एरिया लेते हैं,
इसका एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो एरिया हमारे पास क्या आएगा, डेट इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, लेंथ इन टू हाइट, तो ये आपका हाफ हो गया। लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, एल बाई टू, तो ये हमने लिख दिया एल बाई टू। हाइट की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, देखो हाफ तो हो गया, एल बाई टू ये हो गया, हाइट की वैल्यू क्या होगी, पी एल बाई टू, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, पी एल बाई टू। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर बाई एट, यही तो मिलेगा, बस यही कहानी हमको करनी है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर थीटा ऑफ सी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी एरिया लिख देता हूँ हाफ, ठीक है, बेस इनटू हाइट, बेस एल बाई टू, हाइट हमको क्या मिला पी एल बाई टू, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, पी एल बाई टू। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, थीटा ऑफ सी, थीटा ऑफ सी इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, पी एल स्क्वायर बाई एट, ठीक है, तो 1 by 8 PL square, WL square, जो आप लिखना चाहते हो। तो फाइनली ये जो हमको मिला हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है, स्लोप है, ठीक है, कब, जब आपका पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है कहां पर, मिड पॉइंट पर। तो ये जो आप थीटा ऑफ सी लिखे हो ना, विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ बी, ठीक है, थीटा ऑफ बी पे निकालो या थीटा ऑफ सी पे निकालो, कहानी वही है। और वैसे भी आप एरिया अगर देखोगे तो आप यहाँ पे भी निकालोगे तो यही आपको मोमेंट का एरिया मिलेगा, और यहाँ पे निकालोगे तो ये तो लाइन का एरिया जीरो है आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम स्लोप है। अब ये बताइए, क्या मैं यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर निकालना चाहूँ तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या हमें सेम मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा, ये हमको कर्व से ही दिख रहा है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको कहाँ है, डेल्टा ऑफ बी पर दिखेगा, मतलब ये जो डेल्टा ऑफ बी है दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यही तो कहानी है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या डेल्टा ऑफ सी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो देखते हैं हमारा डिफ्लेक्शन हमारा कितना निकल कर आएगा, बताइए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो। इस केस के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ क्या मैक्सिमम, फर्स्ट काम तो हमारे पास है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो कब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ध्यान रखना जरूरी नहीं कि जहां पर पॉइंट लोड आए वहीं पर आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा, आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब डेल्टा ऑफ मैक्सिमम जो मिलेगा वो कहां मिलेगा, डेल्टा ऑफ बी पर, और डेल्टा ऑफ बी जो है और माइनस एक आपको ऐसा पॉइंट चूज करना है जहां पर आपको डिफ्लेक्शन जीरो मिले। तो ये पॉइंट हमारा ए पर आपका डिफ्लेक्शन जीरो है, तो माइनस डेल्टा ऑफ हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया है, विच इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ए एक्स बार डिवाइड बाई ई आई, यही तो मिलेगा, ए एक्स बार डिवाइड बाई ई आई। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए आपको क्या मिलेगा, डेल्टा ऑफ ए तो नो डाउट ये आपका क्या है जीरो, जो डेल्टा ऑफ ए है वो डेल्टा ऑफ ए आपको क्या मिल जाएगा जीरो। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या दिखेगी यहां पर, ये आपको दिखेगा डेल्टा ऑफ बी, ये जो आपको दिखेगा डेल्टा ऑफ बी इक्वल टू एरिया, एरिया तो देखिए हम लोग पहले यहां निकाल चुके हैं, ठीक है, पी एल स्क्वायर बाई एट यही आ रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पी एल स्क्वायर बाई एट, ये तो हमारे पास निकल गया एरिया, इंटू एक्स बार, एक्स बार की बात करेंगे तो एक्स बार हमको क्या मिलेगा, मुद्दे की बात ये है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो एक्स बार अगर आप लोगे तो कहां से लोगे ये समझिए, यहां पर ये अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये आपका ट्राइंगल है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड यहां पर आया हुआ है, तो एक पॉइंट तो हमारा ये लोकेट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, एक्स बार इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नॉन जीरो स्लोप, ये ध्यान रखिएगा। अब मेरे पास वहां बी और ए दो पॉइंट है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ए पे आपका जीरो स्लोप है, तो हमेशा आप जो लोगे एक्स बार वो नॉन जीरो स्लोप से लोगे। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये डिस्टेंस देखो हमारे पास कितना होगा, तो डेफिनेटली ये देखोगे तो एल बाई टू है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, डेट इज इक्वल टू टू थर्ड ऑफ एल बाई टू, ये लिख सकते हैं। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो ऑलरेडी हमारे पास कितना है, विच इज इक्वल टू एल बाई टू, तो टोटल अगर आप एक्स बार लोगे तो क्या आएगा, एल बाई टू प्लस दिस टू थर्ड ऑफ एल बाई टू। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, जो एक्स बार की वैल्यू आएगी, एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आपका पहला एल बाई टू प्लस टू थर्ड ऑफ एल बाई टू, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हो सकता है क्या, टू थर्ड ऑफ एल बाई टू, ठीक है। तो ये हमारे पास ए एक्स बार हो गया, और डिवाइड पर आपको क्या मिलेगा, ई आई को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मिलेगा क्या ई और ये आई। तो यहां पर अगर पॉइंट बी पे मुझे डिफ्लेक्शन है तो इसको सिंप्लीफाई करिए, तो फाइनली अगर मैं बात करूं डेल बी को लेकर तो डेल बी इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, ये तो आपको मिल गया पी एल स्क्वायर बाई एट, ठीक है, ये हमारे पास कितना होगा एल बाई टू, एल बाई थ्री। तो फाइनली अगर देखोगे तो एल बाई टू प्लस एल बाई थ्री, तो ये आपको कितना मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 5L by 6, यही मिलेगा, और डिवाइड बाई हमको कितना मिल रहा है EI।
तो यहां पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो फाइनली मुझे डेल ऑफ बी मिलेगा, और डेल ऑफ बी अगर मैं यहां पे बात करूं तो कितना मिल जाएगा। अब देखो यहां पे ये आपको मिल जाएगा, देखो 5/48, ये अगर आप देखोगे तो कितना दिख रहा है 5/48 PLQ डिवाइड बाई ई इंटू आई। कहानी कुछ समझ में आया? तो देखिए ये जो हमारा निकला हुआ है, ये हमारे पास निकला है डिफ्लेक्शन, ठीक है, किस पे, पॉइंट बी पर। और ये जो पॉइंट बी पर आपका डिफ्लेक्शन आया हुआ है ना, यही हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। तो क्या अगर मैं पॉइंट सी पर निकालू, मतलब जो आपका मिड पॉइंट पे निकालू, तो वो डिफ्लेक्शन कितना आएगा? क्या इतना ही आएगा? डेफिनेटली इतना तो नहीं आएगा, हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए ये आपका सिंपल सा बात ये है, पहला चीज की पॉइंट सी पर अगर मिड पॉइंट पर लोड एक्ट कर रहा है, तो वहां पर अगर मैं बात करूं मिड पॉइंट का स्लोप या बी पॉइंट का स्लोप या इसके बीच का कहीं भी स्लोप जाओगे तो कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन यहां डिफ्लेक्शन आपका कंटिन्यू चेंज हो रहा है। पॉइंट सी के अंदर अगर हम लोग आएंगे तो देखिए क्या मिलेगा यहां पर। पॉइंट सी अगर मान लीजिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, अगेन आप एक तो पॉइंट सी आप चूज करोगे जिस पॉइंट पर मुझे निकालना है, माइनस एक वो पॉइंट जहां पर हमको क्या है डिफ्लेक्शन जीरो होना चाहिए, विच इज द पॉइंट ए। तो डेल सी माइनस डेल ए इक्वल टू हम लोग यहां पे अगेन क्या लिखेंगे, यही हम लोग लिखेंगे क्या, ए एक्स बार डिवाइड बाई ई इंटू आई, यही तो होगा। तो बताओ यहां पर एरिया को लेकर बात करते हैं, तो ये हमारे पास एरिया निकल कर आया हुआ है, एरिया कितना निकल कर आएगा बताइए वहां पर। तो अगर आप देखोगे तो एरिया तो आपका सेम आना है, क्योंकि इस बार सी और ए के बीच में लोगे तो सी और ए के बीच का एरिया आपको ये पूरा मिलने वाला है, विच इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर बाई 8। तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, पी एल स्क्वायर बाई 8, ये तो कहानी क्लियर है, इंटू एक्स बार। अब एक्स बार कितना लोगे, ए और सी के बीच में है, तो ऑलवेज एक्स बार इज टेकन फ्रॉम नॉन जीरो स्लोप। उस बार हमारा ए और बी के बीच में था तो बी से लिए थे, लेकिन अब की बार एक्स बार कितना हो जाएगा, ये 2/3 L/2, केवल यही तो होगा, सी से आप लोगे तो सी से 2/3 L/2 आपको दिख रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2/3 L/2, यही मिलेगा, और डिवाइड बाई हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा ई इंटू आई। तो जब यहां पर सी पॉइंट पे आप निकालोगे डिफ्लेक्शन डेल्टा ऑफ सी, तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो टू वाली कहानी खत्म है, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये आपको मिलेगा पी एल क्यू डिवाइड बाई 8 3 24 आपको दिख रहा है, तो ये आपको मिलेगा 24 E into I। कहानी कुछ समझ में आया? तो ये जो हमको मिला हुआ है ये डेल्टा ऑफ सी मिला हुआ है, ये जो हमको मिला हुआ है डेल्टा ऑफ सी मिला हुआ है, मतलब पॉइंट सी पे आप डिफ्लेक्शन है, दोनों में आप देखोगे तो नो डाउट आपको ये दिख रहा होगा क्या, कि जो डेल्टा ऑफ बी है इसका आपका वैल्यू ज्यादा, और नो डाउट वो डायग्राम से भी आपको दिख रहा है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स अगर हम लोग यहां पर देखें, तो अगर आपका जो कैंटिलीवर बीम है, उस कैंटिलीवर बीम की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पर आपका कितना स्लोप और कितना डिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो यहां पर हमारे पास जो डेल बी की वैल्यू आई है दैट इज द 5/48, ये जो हमको मिला हुआ है मैक्सिमम, ये हमको मिला है कितना 5/48, ठीक है, पी एल क्यू डिवाइड बाई ई आई, ठीक है, पी एल क्यू डिवाइड बाई ई आई, ये आपको डेल बी मिला हुआ है। डेल सी की बात करेंगे तो पी एल क्यू डिवाइड बाई 24 EI, सी पे बात करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, पी एल क्यू डिवाइड बाई 24 EI, पी एल क्यू डिवाइड बाई 24 EI, ये आपका सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन है। स्लोप की अगर बात करेंगे तो आइदर पॉइंट बी हो चाहे पॉइंट सी हो, इस पे आपको स्लोप सेम मिलना है, और स्लोप आपका जो सेम मिलेगा वो कितना मिलेगा, थीटा ऑफ, ये आपको है पी एल स्क्वायर बाई 8। तो यहां पर ये जो मैक्सिमम आया है ये आपको कितना मिलेगा, ए अपॉन ई आई, तो पी एल स्क्वायर बाई 8 EI, यही हमको स्लोप मिलना है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपने देखा कि ये हमारा पॉइंट लोड लगा है, तो किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इजी मेथड है, टफ नहीं है, बट आपको एक चीज जो ध्यान रखना है क्या, कि हमेशा जो हम लोग एक्स बार को कंसीडर करते हैं, एक्स बार आपका हमेशा नॉन जीरो स्लोप से लेना है, ध्यान रखिएगा एक्स बार जो है वो आपको हमेशा नॉन जीरो स्लोप से लेना है, जीरो स्लोप से गलती से भी मत लीजिएगा, क्योंकि यहां पर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। और दूसरा चीज, जो आपने पॉइंट दो पॉइंट सेलेक्ट किया है ना, उसके बीच का आपको एरिया लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।